हेलो दोस्तों, अरमान इलेक्ट्रॉनिक सिटी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ दोस्तों के हमारे कमेंट्स बराबर आ रहे थे। उन्होंने हमसे कमेंट्स करा कि हमें दो स्विच और दो सॉकेट बोर्ड की वायरिंग करना बताएं, तो प्लीज़ हम वीडियो लेकर आए हैं, आपके लिए बना रहे हैं। इसी तरह से आप हमें कमेंट्स करते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और आप लोग जब हमें कमेंट्स करते हैं किसी भी तरह की वीडियो बनवाने के लिए तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से हमें आप सपोर्ट करते रहें। ये देखिए, एक स्विच एक सॉकेट और एक स्विच एक सॉकेट के कनेक्शन करना बताएंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए हम वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, वायर करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वायर अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का हो। मैं आपको सिर्फ बताता हूं, लेकिन आपको यूज़ करना है तो 6 एम्पीयर के सॉकेट में 1 से 1.5 mm का वायर इस्तेमाल करें और 16 एम्पीयर के सॉकेट में 2.5 mm का वायर इस्तेमाल करें। दोस्तों, हमें देखिए करना ये होगा। सबसे पहले हम देखिए, हमने रेड कलर का वायर ले लिया फेस मिलाने के लिए और वायर की पीवीसी हटा दी है। अब हमें करना है, दो स्विच हैं, दो स्विचों में इसमें फेस देंगे तो स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर हम दे देंगे दोनों स्विचों में फेस। और फिर हम आपको आगे बताते हैं कि किस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। कनेक्शन करने का बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, और ये बहुत ज़्यादा रनिंग बोर्ड है दोस्तों। इस तरह के बोर्ड बहुत ही इस्तेमाल में आते हैं। आप घर पे कभी भी इस तरह के एक्सटेंशन बोर्ड बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, दोनों स्विचों के नीचे वाले पॉइंट पर हमने फेस दे दिया। अब दोस्तों, हम कनेक्शन करना आपको बताएंगे। अब हमें करना है सॉकेट कनेक्शन, तो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से हम फेस काटेंगे। देखिए, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से हमने फेस काट लिया है, ठीक है। ये देखिए, फेस काट लिया। अब हम दे देंगे इस सॉकेट को। स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से हमने फेस काट लिया, अब हम दे देंगे सॉकेट को। दोस्तों, जिस तरह से आप हमें प्यार दे रहे हैं, हमारी वीडियो को जिस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। ये देखिए, ठीक है दोस्तों। अब हम देखिए दूसरे दोनों हम देखिए दोनों दूसरे स्विच के कनेक्शन करेंगे। स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस काट कर स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस काट कर हम देंगे। देखिए, स्विच से फेस काट लिया है। अब हम दे देंगे सॉकेट, दूसरे सॉकेट के पॉइंट पर। ये देखिए, हम दोनों स्विचों को कनेक्शन कर दिए हमने। देखिए, कनेक्शन हो गए हैं, ठीक। अब दोस्तों, हम देखिए फेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम देंगे बोर्ड में न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल हम देंगे बोर्ड में। न्यूट्रल के ब्लू कलर का वायर ले लिया हमने। देखिए, अब हमें इसे देना है। देखिए, ये ब्लू कलर का वायर, ठीक है दोस्तों। अब हम आपको उसके कनेक्शन बताते हैं किस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ब्लू कलर का वायर ले लिया हमने। अब हम इसे कनेक्शन करना आपको बताते हैं। बहुत आसान तरीका है दोस्तों वायरिंग करने का ये, और बहुत ही ज़्यादा रनिंग बोर्ड है। ये देखिए, जो सॉकेट का दूसरा वाला पॉइंट है उस पर हम दे देंगे न्यूट्रल। ये देखिए, हमने ये न्यूट्रल दे दिया इसको। दोस्तों, वायरिंग करने का बहुत ही आसान और अच्छा तरीका है ये। इस तरह से आप अगर वायरिंग करेंगे तो कभी भी कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको होगी नहीं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, दे दिया। अब यहीं से न्यूट्रल उठाकर
ये देखिए मैंने न्यूट्रल उठा के हम दे देंगे दूसरे सॉकेट को, ये देखिए न्यूट्रल दे दिया हमने दूसरे सॉकेट को। ठीक है दोस्तों, ये देखिए कनेक्शन हो गए हैं इसके। ठीक है दोस्तों, वायरिंग पूरी कंप्लीट हो गई। एक बार फिर से हम आपको उधार, सबसे पहले देखिए दोनों स्विचों में हमने दे दिया फेज, फिर स्विच के ऊपर वाला पॉइंट से फेज उठा के दे दिया, हम देखिए सॉकेट को दे दिया है ये, और ये इसी तरह से दूसरे स्विच से फेज उठा के हमने दे दिया सॉकेट को। ठीक, अब हमने न्यूट्रल देना था तो न्यूट्रल दे दिया, देखिए हमने ये न्यूट्रल दे दिया हमने इस सॉकेट को, और यहीं से उठा कर न्यूट्रल दे दिया इस दूसरे सॉकेट को। ये वायरिंग पूरी कंप्लीट हो गई। आइए दोस्तों हम इसे अब चेक करके बताते हैं, और चेक ये देखिए फेस फेस में दे देंगे, चाहे बोर्ड में लगाएं चाहे मीटर में टेस्टर चेक कर कर, ये ठीक है। और ये जो हमारा न्यूट्रल है न्यूट्रल न्यूट्रल में दे देंगे, चाहे बोर्ड में कनेक्शन करें या मीटर में कनेक्शन करें। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसे अब चेक भी कर देते हैं। चेक करने का बहुत आसान तरीका बताते हैं, और प्लीज़ जब भी बोर्ड किसी बोर्ड की वायरिंग करें आप, तो उसे बहुत आसान तरीके से चेक करें, सावधानी से चेक करें। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए बोर्ड में हमने 200 करंट दे दिया है। अब ये देखिए हमने इस स्विच से सॉकेट का कनेक्शन करा था, ये देखिए वायर, ये देखिए काम कर रहा है। ठीक ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और ये इस वाले स्विच से इस वाले सॉकेट का कनेक्शन करा था, ये काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने की बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते रहें।